बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा हम 5.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हमने इसका लास्ट और 6 वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके जो 3 पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में हैं उन 3 में से एक मैंने बेटा लिख लिया है। अगर देखें ये 5वां पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर देखें बेटा, तो इसमें से अब 3 इनक्विलिटीज़ आ गई हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो उसके अंदर एक इनक्विलिटी थी, फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर बेटा 2 हो गई थी, फिर तीसरा आ गया था उसमें भी 2-3 हो गई थी, फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया था। अब यहाँ पे बेटा 3 इनक्विलिटीज़ हैं सेम, हमने इसका सोल्यूशन निकाल के देना शेडिंग से। ठीक भी बात है, तो ये हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। तो हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड है कि पहले वाली इनक्विलिटी लेंगे बेटा, उसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, लाइन लगाएंगे और उसकी शेडिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह हम दूसरी इनक्विलिटी लेंगे, उसको हल करेंगे, उसी की तरह उसका ग्राफ बना लेंगे, फिर हम तीसरी लेंगे और उसी तरह हम तीसरी का ग्राफ बना लेंगे। तो बेटा तीनों का जो मुश्तरका कॉमन होगा ना, वो हमारा सोल्यूशन होगा। शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। हम सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो आपके पास ये इनक्विलिटी 1 है बेटा, ये लेते हैं। ठीक ही बात है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस करके 3y, और ये बेटा आपके पास है लेस देन आर इक्वल 18। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बेटा लेते हैं जी, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2x प्लस करके 3y और ये इक्वल करके 18r, और दूसरी बात आपके पास है जी 2x प्लस करके 3y और ये लेस देन 18 है। ठीक है, ये आपके पास बेटा इक्वेशन बन गई और इसको हम बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन, ये इनक्वालिटी बन गई है। ठीक है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर दूसरी को देख लेते हैं, चलें अभी x की फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट और वही पुट। ठीक है जी, वही पुट, ये आपके पास हम यहाँ पे y को बेटा 0 पुट करेंगे इसके अंदर, ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस करके 0 और ये लीजिए जी 18। ठीक है, 2x प्लस करके 18 इक्वल करके, तो ये बेटा 2 पे हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 18/2, तो ये आपके पास x की वैल्यू बेटा आपके पास 9 आ गई है, और अगर पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 और 0, ये आपका पॉइंट बन गया। यहाँ पे बेटा जो x की वैल्यू है वो 9 है, तो x की पॉजिटिव 9 को आपने बेटा पॉइंट कर लेना है, ये आपके पास x की 9 वैल्यू जो है ये पड़ी हुई है, इसको मैंने क्या कर लिया है, शेड कर लिया है जी बेटा। ठीक है, अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट अब वही पुट, हम क्या पुट करेंगे, अब हमने x को 0 पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, ये आपके पास 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3y और ये आपके पास 18। ठीक है, तो ये आपके पास 3y और ये 18, 3 के ऊपर डिवाइड, इधर भी कर देंगे और ये बेटा आपके पास कट हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 0 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू जो आपके पास है बेटा वो 6 है, पॉजिटिव 6 है, तो y की पॉजिटिव 6 बेटा यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बेटा 2 पॉइंट आ गए हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाकर बाउंड्री लाइन बनाएंगे और फिर इसकी हम शेडिंग करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला लेते हैं और हम बाउंड्री लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी बाउंड्री लाइन बेटा बन गई है, ये लीजिए। ठीक है, अब हमने इसकी शेडिंग करनी है, उसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो इसकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम ओरिजिन को क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास टेस्ट पॉइंट जो है वो आ जाएगा जी ओरिजिन 0, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2x और ये आपके पास 3y और लेस देन करके ये इनक्वालिटी लेंगे बेटा, ये आपके पास 18 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और यहाँ भी 0 पुट करेंगे, लेस देन 18। ठीक है, 0 प्लस 0 लेस देन 18, तो ये 0 जो है लेस देन 18, तो कहता है 0 जो है ना वो 18 से छोटा होता है, ये बेटा ट्रू बात है। ठीक है, तो ये सच है, तो लिहाजा जो हमारी शेडिंग होनी है ना अब वो ओरिजिन की तरफ होनी है, तो लिहाजा ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड कर लेते हैं, ये लीजिए बेटा। जैसे हमने पहले दिन से काम किया है उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी शेडिंग जो है बेटा वो हमने क्या कर लिया, ओरिजिन की तरफ
इसकी जो हमने शेड कर लिया है। चलें बेटा अब हम दूसरी इनक्वालिटी लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो दूसरी इनक्वालिटी ले लेते हैं जी, ये आपके पास आ जाएगी जी 2x प्लस करके y लेस देन आर इक्वल, ये बेटा 10 आ जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बेटा देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन जी बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस करके y इक्वल करके बेटा 10 आर, और दूसरी इसकी स्टेटमेंट बनती है 2x प्लस करके y और ये लेस देन आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, और बेटा वी पुट यहां पे हम y को क्या करेंगे 0 पुट करेंगे इस इक्विवेलेंट के अंदर, ये आपके पास 2x प्लस करके 0 और ये 10 आ जाएगा। 2x ये आपके पास 2 पे डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास x आ जाएगा। लीजिए बेटा तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा 5 और 0, तो 5 जो पॉजिटिव है बेटा x का, तो 5 पॉजिटिव बेटा आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया है। ये लीजिए बेटा अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे जी y को 0 पुट करेंगे, सॉरी x को 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को हमने बेटा 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2x प्लस करके y और इक्वल करके बेटा 10 है, तो y x के जगह पे हमने 0 पुट करना है, यहाँ पे बेटा आप 0 पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा y इक्वल करके 10, तो बेटा आपके पास जो पॉइंट है वो बन जाएगा जी 0 और 10, तो यहाँ पे y 10 है पॉजिटिव का 10 बेटा ये आपके पास पड़ा हुआ है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, दो पॉइंट आ गए एक ये और एक ये, तो इसको बेटा मिला के हम बाउंड्री लाइन ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद इसका टेस्ट कर लेते हैं जैसे हम पहले करते हैं। तो पहले इनको मिला लो और बाउंड्री लाइन जो है आपकी वो बन जाएगी, फिर उसके बाद इसको देखते हैं कि इसकी जो शेडिंग एरिया है वो किस तरह को बनता है, ओरिजिन की तरह बनता है या ओरिजिन से दूसरी तरह बनता है, ठीक है बेटा। उसके लिए हम जो टेस्ट पॉइंट लेना होता है वो ओरिजिन लेना होता है, फॉर टेस्ट पॉइंट आपके पास बेटा आ जाएगा जी टेस्ट पॉइंट ओरिजिन आ जाएगा 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास जो इनक्वालिटी है बेटा 2x प्लस करके y लेस देन 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 प्लस करके 0 लेस देन 10, ठीक है। 0 प्लस 10 0 और ये आ जाएगा 10, तो यहाँ पे जो 0 है ये छोटा है किससे 10 से, ठीक है ना। 0 लेस देन 10 ये बात ठीक है, 0 जो होता है वो बेटा 10 से छोटा होता है, लिहाजा ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम ओरिजिन की तरफ इसकी जो ना वो शेडिंग कर देंगे बेटा, इसकी शेडिंग भी क्या है जी ओरिजिन की तरफ बनती है। अब यहाँ पे बेटा आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने एक जो काम करना है वो ये करना है कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है ना वो आपने रख लेना है, ठीक ही बात है। पहली इनक्वालिटी इक्वेशन बनाई उसका एरिया शेड कर लिया हमने, फिर दूसरी हमने इनक्वालिटी ली बाउंड्री लाइन बनाई और उसका शेडिंग एरिया कर लिया, अब हमने इन दोनों का जो कॉमन एरिया ना वो रख लेना है, बाकी रेज कर देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस लाइन का ये वाला एरिया बनता है, ठीक है, ये वाला और इस लाइन का भी ये वाला बनता है, ये ऊपर वाले का यहाँ से लेके इतना ये वाला जो है ये दोनों का बनता है, क्योंकि इस ये लाइन भी इसमें ऐड हो रही है, देखें जरा गौर से इधर से ये देखेंगे और करें, ये लाइन भी इसमें ऐड हो रही है ये वाली भी, और इधर से ये वाली ऐड हो रही है, तो ये वाला जो है ये हिस्सा जो है ये कॉमन मुश्तरक नहीं है, लेकिन ये है दोनों का ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला भी नहीं है, तो इसको बेटा आप अभी से क्या कर देंगे साफ कर देंगे, मतलब कहने का कि दोनों का जो कॉमन एरिया था ना वो हमने अभी ले लिया है, ठीक होगी बात है। दो क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं और उनका जो कॉमन एरिया बेटा वो हमने निकाल लिया, इसी तरह तीसरी बनाएंगे और तीसरी का जो एरिया इसी मुश्तरक एरिया में बनेगा वो बेटा हमने रख लेना है, बाकी हमने क्या करना है जी रेज कर देना है। तो ये हमने बेटा क्या काम किया है कि दोनों का जो कॉमन और मुश्तरक एरिया है ना जी इसको हमने क्या किया जी रख लिया, ये लीजिए, ठीक की बात है। अब बेटा हमारे पास तीसरी इनक्वालिटी है उसको देख लेते हैं जी, ये आ जाएगा जी माइनस 2x प्लस करके y और ये बेटा लेस देन आपके पास क्या है जी 21, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बेटा देखते हैं, क्रॉस पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस करके y इक्वल करके 2 r, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास 2x प्लस करके y लेस देन 20, तो x की वैल्यू बेटा निकालते हैं फॉर x इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट, और वही पुट। यहाँ भी बेटा हमने वाई को क्या करना है जी, जीरो पुट करना है पहले की तरह, और ये आ जाएगा जी माइनस टू एक्स प्लस करके जीरो, ये टू आ जाएगा, माइनस टू एक्स ये टू आ जाएगा, माइनस टू पे हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। और अगर पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो माइनस वन और जीरो यहाँ पे, x माइनस वन है बेटा, तो x की माइनस वन बेटा ये पड़ा हुआ है, इसको हमने क्या करना है जी, हाईलाइट कर लेना है, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है जी, y की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरह हम इसका y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट, अब बेटा हम क्या करेंगे, x को जीरो पुट कर लेंगे, ठीक ही बात है। इसी इक्वेशन के अंदर ये माइनस टू है, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, जीरो आ जाएगा, प्लस करके ये, और यहाँ पे टू आ जाएगा, वाई आ जाएगा, टू आ जाएगा हमारे पास बेटा वैल्यू। पॉइंट अगर बनाते हैं तो पॉइंट आपके पास जीरो और टू है, वाई पॉजिटिव टू है, तो पॉजिटिव टू को हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये वाला बेटा आपके पास पॉजिटिव टू आ गया। इन दोनों को मिला के हमने बाउंड्री लाइन जो है ना वो ड्रा कर लेनी है, इन दोनों को मिलाकर हमने बाउंड्री बना लेते हैं अभी, ठीक है जी। ये दो पॉइंट आपके पास, इनको मिला के ये लीजिए, तो ये बाउंड्री लाइन आपके पास बन गई है। अब हमने क्या करना है जी, इसकी शेडिंग करनी है, उसके लिए हमने इसका टेस्ट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी टेस्ट पॉइंट, ठीक है। टेस्ट पॉइंट आपके पास बेटा क्या है जी, ये ओरिजिन आ जाएगा जीरो जीरो, तो इसी इनक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे, माइनस टू एक्स प्लस करके वाई लेस देन टू, तो माइनस टू ये जीरो, ये जीरो लेस देन टू, तो ये जीरो लेस देन टू आ जाएगा जी, ये लीजिए। तो ये जो जीरो है ये दो से छोटा है, ये बेटा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है की बात, ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ बेटा इसकी शेडिंग होगी, ये भी आपके पास क्या है जी, ट्रू है, ठीक है। तो इसकी जो शेडिंग है वो किस तरफ हो जाएगी, ओरिजिन की तरफ, ये लीजिए बेटा। और ओरिजिन की तरफ हमने इसको सिर्फ वही हिस्सा इसका शेड करना जो पहले हमारा कॉमन है, ये वाला हमारा कॉमन है, तो इसका हिस्सा हम यहाँ तक इधर और इधर वाला शेड करेंगे, इधर वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इसके अंदर जो पहले से हमारा कॉमन दो का आया होगा ना कॉमन, तीसरे का हमने उतना ही रखना है, ये लीजिए बेटा, ठीक है। ये वाला जो इधर वाला, ये हमारा जो है बेटा, ये तीनों का कॉमन है। अगर इसकी बात कर तो ये दो का तो कॉमन है, इस और इससे इनफिनिटी का, लेकिन इस वाले का ये कॉमन नहीं है, तो इसको हमें रेज करना पड़ेगा, ये वाला जो है, ठीक है की बात है। हमने तीनों इनक्वलिटीज का जो मुश्तरक एरिया है शेडेड, उसको बेटा हमने रखना है, बाकी वाला सारा जो है ना वो हमने क्या करना है जी, उसको साफ कर देना है, रेज कर देना है बेटा। अगर देखें तो ये वाला जो हमने शेड कर रखा है, ये वाला तीनों इनक्वलिटीज का कॉमन एरिया है, और यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आ गया होगा, बाकी दो क्वेश्चन जो है ना वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है बेटा, उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।